नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको रोज की तरह बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं और किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। सबसे पहले भव्य स्वागत के बाद पीएम मोदी बिना किसी से बोले, बिना कार्यकर्ताओं को संबोधित किए बंद कमरे में क्यों चले गए, आज इसका चैप्टर है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन सीट बंटवारे का क्या फॉर्मूला बना, आज इसके बारे में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में मोदी और मायावती मिलकर इंडिया का गठबंधन का सपना तोड़ेंगे क्या, आज वो गणित भी आपको समझाऊंगा। इसके अलावा 2024 के लिए मोदी की तैयारी वर्सेस इंडिया की तैयारी का चैप्टर है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी वो करने जा रहे हैं जो 47 साल में नहीं हुआ। सीएम योगी यूपी में अब 100 नोएडा बनाने वाले हैं, जिस नोएडा में उत्तर प्रदेश के जो पुराने मुख्यमंत्री थे वो कदम नहीं रखना चाहते थे, घबराते थे। नोएडा में योगी गए भी और अब 100 नोएडा बनाने वाले हैं क्या। साथ ही बात होगी, पुतिन से किम जोंग ऊन मिला है, नॉर्थ कोरिया वाला, क्या नया बवाल होने वाला है। सन की किम जोंग ऊन की वो ट्रेन जिसमें कई राज छिपे हैं, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। और भारत के वो स्पेशल सैनिक जो आतंकियों को काट खाते हैं, आज उनसे मिलवाऊंगा। वो जाबाज सीक्रेट सैनिक जिसने आतंकी को जहन्नुम पहुंचा दिया, आज उसका चैप्टर। और आखिर में संसद और भारत मंडपम में क्रिकेटर रोहित शर्मा की फोटो दिखाई गई क्या, इसका सच भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिविजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और यह भी कहा कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम ने बताया कि वो दोनों राज्यों में कल बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। एमपी में पीएम मोदी 50,000 करोड़ की योजनाओं की शिलान्यास करने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़े 6,350 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीएस में गठबंधन पर आज मुहर लग सकती है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा दिल्ली आ चुके हैं और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हो रहे होंगे। इस बैठक के दौरान कर्नाटक में जेडीएस से गठबंधन और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर भी मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज होता दिख रहा है। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स को शाहरुख खान की फिल्म जवान की तर्ज पर तैयार किया गया है। पोस्टर में कमलनाथ की तस्वीर को एडिट करके जवान फिल्म में शाहरुख के किरदार जैसा दिखाया गया है और पोस्टर के नीचे करप्शन का हैवान लिखा गया है। भोपाल की कई अहम जगहों पर ये पोस्टर लगे हैं, हालांकि अभी तक किसी ने इन पोस्टर्स को लगवाने की जिम्मेदारी नहीं ली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। प्रियंका वाड्रा ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। प्रियंका ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत देने की बजाय मोदी सरकार सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों को बहुत नुकसान होगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। चंपत राय ने इससे जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। खुदाई में 12 से ज्यादा मूर्तियां, स्तंभ, शिलाएं मिली हैं। इन शिलाओं में देवी देवताओं की कलाकृतियां उभरी हुई हैं। तस्वीर में मंदिरों में लगने वाले स्तंभ भी नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि खुदाई के दौरान मिले इन प्रतीकों को रामलला के मंदिर में भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होगा। 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रतिमा के पास एकात्म धाम का निर्माण भी किया जा रहा है। पहले इस बात की अटकलें थी कि प्रधानमंत्री मोदी प्रतिमा का अनावरण करेंगे, लेकिन 18 सितंबर से ही संसद का विशेष सत्र भी शुरू हो रहा है, इसलिए पीएम मोदी की जगह सीएम शिवराज प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा कि दुनिया को भारत से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। रूस में ऑटोमोबाइल के एक इवेंट के दौरान पुतिन ने मेक इन इंडिया मुहिम को सराहा और कहा कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा में काम कर रहे हैं। वो भारत में बनी गाड़ियों के प्रोडक्शन और इस्तेमाल पर फोकस कर रहे हैं। दिनभर का रिवीजन हो गया। पाठशाला की पहली क्लास जिसमें भव्य स्वागत के बाद पीएम मोदी बिना बोले बंद कमरे में क्यों चले गए, आज आपको बताऊंगा। इंडिया गठबंधन की मीटिंग खत्म हुई तो सीट बंटवारे का क्या फॉर्मूला बना। यूपी में मोदी और मायावती मिलकर इंडिया का सपना तोड़ेंगे क्या, आज इसका चैप्टर। सबसे पहले
2024 के लिए सबकी अपनी अपनी तैयारियां चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें बड़े फैसले होने वाले। उधर इंडिया गठबंधन की बनाई गई कमेटी ने भी आज पहली मीटिंग की और ज्वाइंट रैली का ऐलान कर दिया। यानी दोनों तरफ से चुनाव के लिए कमर कस ली गई है, दोनों तरफ मीटिंग्स का दौर चल रहा है, दोनों तरफ तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी की तैयारी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तैयारी। लेकिन आप देखिए कि G20 से फ्री होते ही पीएम मोदी भी इलेक्शन मोड में सीधे आ गए। G20 का तो भव्य आयोजन पूरी दुनिया देख चुकी और G20 की सफलता को भी दुनिया मान चुकी, इसलिए आज पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी मुख्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे थे, उन्हें उम्मीद थी कि पीएम आएंगे और कुछ कहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय तो पहुंचे और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। फुल फ्रेम में दिखाइए पहले वो तस्वीर, बाद में इंडिया गठबंधन की बात करेंगे। तो पीएम की आप तस्वीर देखिए कि पीएम वहां पर पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में, और आप देखिए इतने फूल बरसे कि पीएम की गाड़ी पर जो आगे जो शीशा होता है उसमें ड्राइवर देखेगा क्या भाई, दिख ही नहीं रहा है। मोदी मोदी के नारे लगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से भी मिले, लेकिन इसके बाद वो सीधे उस मीटिंग के लिए अंदर चले गए जिस मीटिंग में चुनाव को लेकर बड़े फैसले लिए जाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पूरा मौका था कि वो G20 के सफल आयोजन का क्रेडिट लेते और इंडिया गठबंधन को भी जवाब देते, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया और वो सीधे मीटिंग के लिए चले गए। आप देखिए, अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, सबने फूल देकर उनका स्वागत किया। पीएम चाहते तो बोल सकते थे, लेकिन बिना कुछ बोले वो सीधे अंदर चले गए जहां उनका स्वागत फिर से हुआ। जिस मीटिंग में मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर चुनावी फैसले हों, पीएम इस वक्त वहां बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनका कार्यक्रम भी है, जहां से वो कई मुद्दों पर जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले आज बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर क्या माहौल था, कैसे पीएम मोदी का स्वागत हुआ, कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह था, उसकी आप तस्वीर देखिए। G20 के भव्य आयोजन को लेकर जबरदस्त माहौल था, हर जगह मोदी मोदी हो रहा था और पीएम चाहते तो इसको बोल वहां पर बोलकर और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरकर और विपक्ष के जो तरीके रहे जिस पर बड़े सवाल खड़े हुए उस पर कुछ बोलकर पॉलिटिक्स कर सकते, लेकिन पीएम सीधा अंदर चले गए मीटिंग कर। उधर विपक्ष भी पूरी तैयारी कर रहा है। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई है। यह पहली बैठक हुई शरद पवार के घर पर। बैठक में शरद पवार के अलावा कांग्रेस से KC वेणुगोपाल थे, RJD से तेजस्वी यादव, शिवसेना से संजय राउत के अलावा आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता शामिल। कोऑर्डिनेशन कमेटी में अलग अलग दलों के 14 नेता हैं, हालांकि बैठक में 12 दलों के नेता ही शामिल हुए। बैठक के बाद कमेटी का एक बयान जारी करके ये बताया गया कि आगे उनका एजेंडा क्या रहने वाला, मतलब आगे वो क्या करने वाले। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह तय किया है कि सीट शेयरिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। यह भी तय हुआ कि इस पर जल्द बातचीत होगी और जल्द से जल्द चीजें फाइनल की जाएंगी। भाई पिछली बार भी तो यही बोल रहे थे कि जल्द से जल्द सीट शेयर करना है, आज मीटिंग भी हो गई तो भी यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयर करना है। करोगे कब, होना कब है ये आज भी पता नहीं चल पाया। कमेटी ने देश भर में विपक्ष की साझा रैलियां करने का फैसला ले लिया है। पहली साझा रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी। रैली में महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाएगा। सभी पार्टियां इस बात पर भी सहमत हुई कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मीडिया को लेकर एक सब ग्रुप बनाया है, उसे यह अधिकार दिया गया है कि वो ये तय करे कि किस एंकर के शो में इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रतिनिधि नहीं जाएगा। तो एक लिस्ट बनेगी कि इस एंकर के शो में जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। हालांकि ये काम कांग्रेस पहले एक बार कर चुकी है मीडिया को बॉयकॉट करके, लेकिन उसकी सीटें जो हैं वो बढ़ने की बजाय शायद और घटी गई थी या थोड़ी बहुत बढ़ी हूं, तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग हैं बाहर से दिमाग में बढ़ते हैं कि अरे मीडिया का बॉयकॉट कीजिएगा तो अच्छा होगा। अरे भैया, काम करने से होता, मीडिया का बॉयकॉट करने से होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का सबसे पेचीदा मुद्दा तो सीट शेयरिंग का है।
खास तौर पर उन राज्यों में मुश्किल आएगी जहां जहां कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही। ऐसे 6 राज्य तो साफ तौर पर दिख रहे हैं जहां पर सीट शेयरिंग आसान नहीं होने वाली, और ये 6 राज्य कौन है मैं आपको बता देता हूं, इनके बारे में आप देख लीजिए। जो 6 राज्य हैं वो 6 राज्य जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर पूरा बवाल होगा, एक तो है यूपी, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है बंगाल, पांचवा है पंजाब जहां के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कांग्रेस और आपके नेता क्या बोलते हैं, और छठा है दिल्ली जहां के बारे में भी आपको पता है कि आप और कांग्रेस में कैसे तनातनी चल रही है। तो ये 6 तो साफ दिख रहे, बाकी का तो अभी मैंने बोला ही नहीं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैसे यूपी है कहां, क्योंकि वहां 80 लोकसभा सीट है, और यूपी को लेकर अगर आप देखेंगे कि यूपी को लेकर अलग अलग दावे भी निकलकर सामने आ रहे, जैसे यूपी को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि यूपी में कांग्रेस जो है 25 से 30 सीटें चाहती है, कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है, पूरी ताकत से यूपी में उतरने जा रही है। भाई यूपी से ही अमूमन प्रधानमंत्री जो है वो चुने जाते हैं, नरेंद्र मोदी भी तो यूपी से लड़े ना भाई, तो यूपी में ही पार्टी कमजोर रहेगी तो राहुल जी पीएम कैसे बनेंगे, उस सपने का क्या होगा, पूरे गांधी परिवार के यूपी में उतरने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी यूपी से ही चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही, बहुत चर्चा चल रही है इसकी, जहां जहां ये लोग कह रहे हैं अच्छा अच्छा पूरा यूपी में ये लोग ताकत लगाने वाले हैं, क्या चर्चा चल रही है मार्केट में सुनिए। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये तो वो कह चुके तो इसलिए इस पर चर्चा चल रही है। अजय राय ये भी कह चुके हैं कि प्रियंका वाड्रा को वाराणसी से चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है। फिर रायबरेली की सीट से सोनिया गांधी तो मौजूदा सांसद हैं और ये यूपी में कांग्रेस की इकलौती लोकसभा सीट है, तो यहां से सोनिया गांधी के ही लड़ने के पूरे आसार हैं। नई बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के भी यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के जो अभी अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी हो सकता है यूपी से चुनाव लड़ने। अब इस बात में कितना दम है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर खड़गे को यूपी से उतारने का कोई प्लान बन रहा है तो ये प्लान हो सकता है मायावती की काट का प्लान हो, जो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं। अब आप कहेंगे मायावती का मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कैसे वो मायावती का वोट काटेंगे? भाई देखिए इसको समझिए, वो गणित मैं आपको समझाता हूं। यूपी में बड़ा दलित वोट बैंक है और इसमें बरसों से सबसे बड़ी दावेदारी अगर दलित वोट बैंक में किसी की रही है तो वो मायावती की रही है। अगर यूपी के दलित वोट को आप देखेंगे तो आप इसका हिसाब देखिए, यूपी में दलित वोट अगर इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यूपी में इतना जोर लगाया जा रहा है और क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे के यूपी से चुनाव लड़ने की कयास लगाए जा रहे हैं। जो दलित वोट है यूपी में कुल वो 22% के करीब है उत्तर प्रदेश के अंदर, और दलित वोट को आप दो हिस्सों में अमूमन बांटते, एक हिस्सा होता है जिसको आप कह रहे हैं, एक होता है जाटव और दूसरा होता है नॉन जाटव। मायावती जो है वो खुद जाटव समुदाय से आती, जाटव समुदाय मायावती का इसलिए कोर वोट बैंक, यानी 50% इधर हो जाता है और 50% इधर हो जाता है दलित वोट। अब जाटव वोट किसके पास जाता है ये भी तो सवाल है ना। अब इसको अगर आप देखेंगे 2014 और 2019 के लिहाज से कि किसको कितना जाटव वोट गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मायावती का वोट काटना इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा जरूरी है। 2014 में देखिए बीएसपी को जाटव वोट का 68% वोट गया था, 68% जब नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी तब भी जाटव वोट 68% बीएसपी के पास गया। बीजेपी को मिला था 15% और सपा को मिला 4% और कांग्रेस को मिला 2%। आप देख रहे हैं कांग्रेस की हालत क्या है जाटव वोट बैंक में। इसी तरह से अगर आप 2019 का चुनाव देखेंगे तो तब बीएसपी और सपा दोनों मिलकर लड़े थे, तो इनका जो वोट था जाटव वोट बैंक वो 74% इस गठबंधन को चला गया। बीजेपी के पास आया इसमें से 21% और कांग्रेस को जो मिला वो मिला मात्र 3%। तो कांग्रेस जाटव वोट बैंक जो है वो कहीं से भी अपनी तरफ खींच नहीं पा रही। खींच कौन रहे हैं? नरेंद्र मोदी के नाम पर 15 से 21 हो गया बीजेपी, और ये जो बीएसपी और सपा का आप 74% देख रहे हैं इसमें भी मेजरली बीएसपी है, सपा ज्यादा नहीं।
अब सवाल है कि ये नॉन जॉटअप का क्या हिसाब है, ये लोग किधर वोट करते हैं। 2014 और 2019 का हिसाब आपको समझा दूंगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि नॉन जॉटअप किधर जाता है। नॉन जॉटअप में बीएसपी मात्र 29% वोट खींच पाती है, 2014 में तो यही हुआ। यहां बीजेपी करती है कमाल, 45%। जो आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी यूपी में इतनी सीट क्यों पाई, क्योंकि वहां पर उन्होंने दलित वोट बैंक में सेंध लगाई और नॉन जाटअप को अपनी तरफ खींचा। यहां सपा है 10% वोट 2014 में, और कांग्रेस जो है वो यहां भी पीछे है मात्र 4%। और 2019 में अगर आप देखिएगा, जब बीएसपी और सपा मिलकर लड़े, बीएसपी प्लस एसपी, तब भी जो नॉन जाटअप वोट था वो इनके पास मात्र 30% आया। आना कितना चाहिए था, 29 + 10, कम से कम 39% तो आता, लेकिन 5 साल बाद और घट गया। और बीजेपी नॉन जाटअप जो दलित हैं उसमें 45% से बढ़कर सीधा 60% वोट हासिल कर, और कांग्रेस 2% बढ़कर 6% पे आई। तो मामला जो है वो दलित वोट बैंक का साफ नजर आता है कि या तो बीजेपी रेस में है नॉन जाटअप में, और अगर आप जाटव में देखेंगे तो सीधे सीधे बीएसपी नजर आती। और इसीलिए अगर इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी को यूपी जीतने से रोकना है तो उनके लिए जरूरी है कि बीएसपी का वोट काटो। और ये कैसे कटेगा, कोई दलित चेहरा आएगा तभी तो कटेगा। तो उसके लिए कहा जा रहा, हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे को लाया जाए। मैं आपको ये तो वोट परसेंट बताया, अब आप सीट के हिसाब से देखिए कि दलित वोट का क्या हिसाब बैठता है। अगर आप यूपी का देखेंगे, उत्तर प्रदेश का, यूपी में जो रिजर्व सीट है पिछड़े समाज के लिए वो 17 सीट होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये लोकसभा का बता रहा हूं, ये है लोकसभा, लोकसभा में 17 सीट होती है। 2014 में ये जो रिजर्व सीट है, और 2019 में क्या हुआ आपको खेल देखिएगा तो समझ में आएगा। 2014 में बीजेपी ने जो रिजर्व सीट है, जो पिछड़ा समाज है, उसमें ऐसी सेंध लगाई कि बीजेपी 17 की 17 रिजर्व सीट जीती। मायावती की पार्टी बीएसपी 0 सीट, समाजवादी पार्टी 0 सीट, और कांग्रेस वाले भैया लोग भी 0 सीट। सारा जो रिजर्व सीट है वो बीजेपी के पास चला गया। 2019 में अगर किसी ने थोड़ी रिकवरी की, बीजेपी की 17 में से 15 हुई और बीएसपी को 2 सीट आई, सपा और कांग्रेस 0 पर ही रह गए। इसलिए आप देखिए कि दलित थोड़ा बहुत किधर जाता भी है नरेंद्र मोदी से छिटक कर, तो वो बीएसपी के पास जाता है, सपा और कांग्रेस के पास नहीं जाता। और यह सिर्फ लोकसभा की बात नहीं है, मैं आपको विधानसभा में बता देता हूं कि यूपी विधानसभा में अगर आप देखिएगा तो यूपी विधानसभा में 84 सीट जो है वो रिजर्व कैटेगरी की आती है, 84। और इसमें आप गेन देखिए, 2017 बीजेपी को कितनी सीटें आती हैं इस 84 में से 74 रिजर्व सीट बीजेपी के पास जा रही है। बीएसपी को जो है 2 सीट आती है, समाजवादी पार्टी को 7 सीट आती है, और अन्य को जाती है, अदर्स को 1 सीट। ये बीजेपी प्लस आपको बता रहा हूं, बीजेपी गठबंधन को रिजर्व सीट विधानसभा में 84 में से 74। और 2022 में भी, 5 साल राज करने के बाद भी, 2022 में ये बहुत घटी तो कितनी घटी, 63 हुई। और बढ़ी किसके लिए, अखिलेश यादव के लिए 7 से बढ़कर 20 हुई, और मायावती के लिए घटकर 0। यानी वहां पर भी बीजेपी को बड़ा नुकसान होता नहीं दिख रहा। जहां इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति बनाने में जुटा है, वहीं उनके नेताओं की ख्वाहिशें भी रह रहकर बाहर आई, क्योंकि लोग भी पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का नेता होगा कौन। इसी तरह एक सवाल ममता बनर्जी से भी पूछ लिया, और यह सवाल भी किसी अरे गहरे व्यक्ति ने नहीं पूछा, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पूछ लिया। यानी श्रीलंका तक चर्चा है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह सवाल ममता बनर्जी से तब पूछा जब ममता बनर्जी 12 दिन के विदेश दौरे पर उनसे मुलाकात कर रही थी। ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया, सुनिए एक बार। Oh my God.
सर ऑपोजिशन में भी पोजीशन आल्सो कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन यस आर यू गोइंग टू लीव द ऑपोजिशन एलायंस ओ माय गॉड यू आर ऑल वंडरिंग इट डिपेंड्स ऑन पीपल मैडम इज शी गोइंग टू लीव द ऑपोजिशन एलायंस सर ऑपोजिशन में भी पोजीशन आल्सो ममता बनर्जी ने तो एक तरह से बता दिया कि जनता का समर्थन मिलेगा तो वो पीएम पद की दावेदारी से पीछे नहीं रहेंगे। इसी तरह से नीतीश कुमार को लेकर भी दावेदारी का माहौल फिर से बनाया जा रहा है। कल उनके कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। आज पटना में जेडीयू ऑफिस के पास नीतीश कुमार के पोस्टर भी लग गए, जिसमें अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की तस्वीर भी। इसमें लिखा है कि अगर नीतीश कुमार यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनका हार्दिक स्वागत है। पोस्टर लगाने वाला समाजवादी पार्टी का नेता है। अब सवाल यह कि नीतीश कुमार जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको अगर सांसद पद का चुनाव लड़ना भी है तो बिहार से लड़ेंगे, यूपी से क्यों लड़ेंगे भाई? यूपी से चुनाव लड़ने का पोस्टर लगाने का मतलब क्या है, यह भी आपको बताता हूं। नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदारी जो उनकी मानी जा रही है कि भाई वो भी चाहते हैं, तो उस उम्मीदवारी को और पक्का कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में पीएम मोदी भी यूपी आकर ही चुनाव लड़े थे। ऐसे में दलीलें ये दी जा रही हैं कि पीएम मोदी अपने गृह राज्य के बाहर माहौल बना सकते हैं, तो विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार को भी इससे परहेज नहीं करना चाहिए, उनको भी यूपी से जाके चुनाव लड़ लेना चाहिए। यानी मोटा मोटी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू दो चीजों पर काम कर रही है। पहला, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग कर रही है। दूसरा, नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ाने का माहौल बन रहा है, और ये दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। दरअसल नीतीश को पीएम बनाने का प्लान कैसे फूलपुर से ही निकलेगा, यह समझने के लिए फूलपुर का इतिहास और वहां का जातिगत समीकरण आपको समझना होगा। फूलपुर लोकसभा से देश के दो प्रधानमंत्री चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। एक थे जवाहरलाल नेहरू जी जो 1952 और 1962 में जीते, दूसरे थे वीपी सिंह जी जो 1971 में फूलपुर से जीते और प्रधानमंत्री बने। देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री यूपी से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे हैं, इसलिए अगर नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर जाते हैं तो प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी उम्मीदवारी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। नीतीश को लेकर फूलपुर सीट की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि फूलपुर सीट का जातीय समीकरण भी नीतीश कुमार के लिए फिट बैठता है। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और फूलपुर में बड़ी संख्या में कुर्मी पटेल वोटर हैं। अगर आप फूलपुर का जातीय समीकरण देखेंगे कि फूलपुर में ही नीतीश कुमार अगर लड़ेंगे, अभी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर वो फूलपुर से ही लड़ेंगे तो वहां से क्यों लड़ना चाहेंगे या क्यों ऐसी परिस्थिति उनके लिए बेहतर होगी वो समझ। यहां पर अगर लोकसभा में देखेंगे तो कुल वोटर जो है फूलपुर में वो है 20 लाख वोटर। इसमें पटेल जो है वो 3 लाख है, यादव 2 लाख है वोटर, मुस्लिम जो है वो है 2 लाख वोटर, करीब करीब ऐसा राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूं। और जो अन्य ओबीसी हैं वो है 5 लाख। ये है वहां का गणित। लेकिन नीतीश कुमार के सीक्रेट प्लान में बीजेपी को कोई दम नहीं दिख रहा। बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार सिर्फ माहौल बना रहे हैं और इस तरह का माहौल इंडिया गठबंधन का हर वो नेता बना रहा है जो पीएम पद की दावेदारी चाहता है, और इसी बात को लेकर इंडिया गठबंधन में भयंकर टकराव। बीजेपी के नेता सुशील मोदी क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, वो भी सुनिए। अब तो झगड़ा शुरू हो गया प्रधानमंत्री पद को लेकर। कल ललन सिंह ने एक सभा के अंदर बाकायदा उनका बायोडाटा रिलीज किया नीतीश कुमार का, इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, ईमानदार हैं, फलाना है, इनको जो है अलायंस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। उधर ममता बनर्जी के लोग ममता बनर्जी का नाम फ्लोट कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग बाकी कर रहे हैं, तो पहले तय तो करें कि उनके प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। नीतीश कुमार लाख कुछ बोले हैं, मन में तो है कि एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बन जाए। हर आदमी के मन में लड्डू फूट रहा है कि शायद हम। विपक्ष की एक परेशानी उनके नेताओं की छवि भी है। विपक्ष के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप, जैसे इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर आज इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। 3,000 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में आज सुबह एक साथ 3 राज्यों में आजम खान और उनके करीबियों के 28 से ज्यादा लोकेशन पर रेड डाली गई। यूपी, महाराष्ट्र और एमपी में इनकम टैक्स के 150 अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह छापेमारी।
यूपी में रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ में कई घंटे कहा जा रहा छापेमारी चली। रेड के दौरान आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और दूसरे ठिकानों से कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त किए जाने की भी बातें बाहर आ रही। रामपुर में आजम खान का घर है जहां सुबह से इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। ऐसी खबर है कि आजम खान के घर से कुछ गोल्ड मिला है जिसकी कीमत पता करने के लिए गोल्ड वैल्यूएशन करने वाली टीम को भी बुलाया गया था। आजम खान के परिवार के जौहर ट्रस्ट के मामले में इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। साल 2019 में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यानी CBDT को आजम खान के खिलाफ शिकायत दी। शिकायत में आरोप यह लगाया गया था कि आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के जरिए 3000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। इस ट्रस्ट में आजम खान का परिवार, उनके करीबी ट्रस्टी हैं। आरोप है कि ट्रस्ट के नाम पर जो जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूल बना उसके लिए अवैध रूप से जमीन भी हथियाई गई। शिकायत में ट्रस्ट के नाम पर अवैध रूप से पैसे जमा करने, उन पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। शिकायत में कहा गया कि जब आजम खान सत्ता में थे तो ट्रस्ट की बिल्डिंग से लेकर फर्नीचर का इंतजाम लोगों को डरा धमका कर किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि आजम खान अपने काले धन को ट्रस्ट में निवेश कर टैक्स चोरी कर रहे हैं। शिकायत में सबूतों के साथ दिखाया गया कि जब आजम खान सत्ता में थे और मंत्री थे तो उस दौरान ट्रस्ट को करीब 50 करोड़ की डोनेशन भी मिली, और जब आजम खान सत्ता में नहीं थे तो ट्रस्ट को मुश्किल से 1 करोड़ की डोनेशन। यानी ये सब बातें जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कही गई और अब छापेमारी की बात सामने आ गई। आजम खान पर एक्शन हुआ तो इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने आजम खान के समर्थन में उतरने का फैसला किया और उसे राजनीतिक बदला बताने लगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल चंद हसन ने कहा कि घोसी चुनाव में मिली हार का बदला आजम खान से लिया जा रहा है। एक बार उनको भी सुनिए। देश के कानून में समाजवादी पार्टी को विश्वास है। ये लड़ाई जब कानूनी आएगी तो समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब उसको लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से घोसी विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हारी, दिल्ली से भेजे गए प्रत्याशी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हारा, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी में खिसियाहट है। भारतीय जनता पार्टी उसी खिसियाहट को एजेंसियों के थ्रू अपने मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इन एजेंसियों के दुरुपयोग से, इन छापेमारियों से डरने वाले नहीं है। इंडिया गठबंधन की एक और नेता ममता बनर्जी के भतीजे और TMC के सांसद अभिषेक बनर्जी की भी आज ईडी के सामने पेशी। ईडी ने उन्हें स्कूल जॉब स्कैम के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी के अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि अभिषेक बनर्जी को बंगाल में हुए स्कूल भर्ती घोटाले में सबूत देने के लिए बुलाया गया है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक लीप्स एंड बाउंस नाम की जो कंपनी स्कैम से जुड़ी है, अभिषेक बनर्जी उसके डायरेक्टर रह चुके हैं, इसलिए अभिषेक बनर्जी से उस कंपनी के बारे में जानकारी मांगी गई। कुछ दिन पहले ईडी ने इस कंपनी के ठिकानों पर छापे मारे थे और कंपनी के पूर्व डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। कंपनी पर करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन का आरोप। स्कूल जॉब स्कैम में ईडी पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। अभिषेक बनर्जी का जो मामला है वो अब सामने ही है। तो इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कम नहीं, आरोप लग रहे हैं, छापेमारियां चल रही हैं, दूसरा सीट का शेयरिंग करनी है, अभी उस पर भी कुछ होता दिख नहीं रहा है, तो अलग अलग चीजें चल रही हैं। उधर नरेंद्र मोदी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन तैयारी तो योगी भी कर रहे हैं। पाठशाला में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेगा प्लान का चैप्टर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अब वो करने वाले हैं जो 47 साल में नहीं हुआ। CM योगी यूपी में अब 100 नोएडा बनाने वाले हैं क्या? जरा इसका चैप्टर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या तो अपने बयानों की वजह से चर्चा में आते हैं या फिर काम की वजह से उनकी चर्चा होती है। अब CM योगी ने वो काम करने का फैसला किया है जो आखिरी बार 47 साल पहले हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने सोचा तक नहीं उसके बारे में। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक बुंदेलखंड के विकास के लिए CM योगी एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जिससे उत्तर प्रदेश में नोएडा जैसे न जाने कितने शहर तैयार हो जाएंगे। कई लोग तो कह रहे हैं 100-100 नोएडा बन जाएगा। और नोएडा वो जगह थी जहां कोई यूपी का मुख्यमंत्री आना नहीं चाहता था, योगी आदित्यनाथ आए। सबको लगता था नोएडा जाते हैं तो हार जाते हैं। योगी जी ने कहा जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, देखो आए भी और जीत के भी दिखाए। और अब तो 100-100 नोएडा जैसे इलाके बनाने की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला किया है कि बुंदेलखंड के विकास के लिए झांसी में एक टाउनशिप तैयार की जाएगी, यानी नोएडा जैसा शहर बसाया जाएगा। अब नोएडा जैसा ही क्यों, ये बताने से पहले ये शहर कैसा होगा, ये टाउनशिप कैसी होगी, इसको सुनिए।
योगी सरकार ने बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी BIDA के गठन को मंजूरी दे दी। नोएडा की तरह बुंदेलखंड के झांसी में टाउनशिप बनाई जाएगी। 1976 में नोएडा के गठन के बाद पहली बार कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई। पहले फेज में झांसी के 33 गांव में 35,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। पहले फेज के लिए 6,312 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए पिछले बजट में 5,000 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए। 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी लोन के तौर पर किया गया है। झांसी में नेशनल हाईवे 27 के पास इंडस्ट्रियल टाउनशिप को बनाया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दूसरे एक्सप्रेसवे से टाउनशिप की कनेक्टिविटी भी होगी। झांसी में बन रहे एयरपोर्ट से भी टाउनशिप को सीधा कनेक्टिविटी मिलेगी। टाउनशिप के बनने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ सकती हैं। सोचिए, 47 साल पहले नोएडा का जब गठन हुआ था, उसके बाद किसी सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन के बारे में सोचा ही नहीं। भाई, अगर यह काम पहले हो गया होता तो आज यूपी में नोएडा जैसे न जाने कितने शहर होते। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत झांसी में टाउनशिप बनने के फायदे आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि सीएम योगी कैसे मिशन मोड में यूपी को डेवलप करने में जुटे हुए। सीएम योगी देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जमीन पर लागू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया। इस योजना का मकसद देश के सबसे पिछड़े जिलों का विकास करना था। अब सीएम योगी ने यूपी के 100 इलाकों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से जोड़ भी दिया है। 20,000 से 1,00,000 की आबादी वाले कस्बों को इस योजना से जोड़ा गया है। इन कस्बों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कारोबार की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना से रोजगार भी मिलेगा और लोगों का पलायन रुकेगा। 100 कस्बों को ट्रांसफॉर्म करने में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 31 मार्च 2026 तक इन इलाकों में यह योजना चलती रहेगी और 31 मार्च 2028 तक मॉनिटरिंग की जाएगी कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। यानी प्रधानमंत्री मोदी के गाइडेंस में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को तेजी से विकसित राज्यों की लिस्ट में पहले पायदान पर लाने के लिए जुटे हुए, और इससे बुंदेलखंड के लोग भी खुश हैं, खासतौर पर महिलाएं। सुनिए बुंदेलखंड की जनता क्या कह रही है। जो लोग बुंदेलखंड के लोग सिर्फ सूखे से परेशान रहते थे, विकास ना होने से परेशान रहते थे, आज की डेट में वो गदगद है। भाई सुनिए पब्लिक क्या बोल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से हमारा शासन भयमुक्त हो गया है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बन गया चित्रकूट में। चित्रकूट में धार्मिक स्थल को काफी बढ़ावा दिया है योगी जी ने। रामघाट में भी सुंदरीकरण हो गया है और परिक्रमा मार्ग में भी जो गंदगी रहती थी आज साफ सफाई है। पर्यटक आ रहे जा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। महिलाओं को भी नहीं होती है परेशानी, भयमुक्त हो गए। ट्रेन में आ रही जा रही कोई दिक्कत नहीं होती। गुंडाराज सारा खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से योगी जी के आने से। यूपी के 100 पिछड़े इलाकों को सीएम योगी नोएडा जैसा विकसित शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी इलाके में नोएडा जैसा शहर बन जाए तो उसका क्या असर होता है, आपको ये भी बताता हूं। अगर आप देख भाई, इतना नोएडा बन, आपको हर कोई तो नोएडा के बारे में जानता नहीं, वो कहेगा नोएडा बन ही गया तो क्या है। नोएडा का क्या मतलब है उत्तर प्रदेश के लिए, आप इसको समझिए। यूपी की जो कुल GDP है, मतलब यूपी की जो कुल अर्थव्यवस्था है, उस GDP का 10% वो कहां से आता है, इसी नोएडा से आता है। कुल GDP का 10% नोएडा से आता है। नोएडा की GDP कितनी है आपको पता है? नोएडा की GDP जो है वो 1,66,000 करोड़ रुपए की, 1,66,000 करोड़ रुपए CR। दूसरे नंबर पर लखनऊ आता है, सेकंड पर लखनऊ, और लखनऊ की GDP कितनी है, 76,000 करोड़, 75,000 करोड़, 75,000 CR। आप डिफरेंस देखिए, कहां 1,66,000 करोड़ पर नोएडा है और जो दूसरे पायदान पर है वो 75,000 है, मतलब जो दूसरे और पहले के बीच में डबल से ज्यादा का अंतर। नोएडा में प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति आए ये 9 times है, 9 गुना 9x। ये नोएडा का बता रहा हूं। यूपी में अगर एक आदमी 10 रुपया कमाता है तो नोएडा में वही आदमी 90 रुपया कमाता है, और 1990 में ये सिर्फ 3 गुना ज्यादा थी, जो अब बढ़कर 9 गुना हो गई। 2022-23 में नोएडा का रेवेन्यू 6,456 करोड़ रुपए था, जबकि टारगेट
4,880 करोड़ का था, यानी टारगेट से 30% ज्यादा रेवेन्यू। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कुल निवेश का 27% अकेले नोएडा को मिला था, जो 7,85,000 करोड़ रुपए। नोएडा में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 22,000 कंपनियां हैं, अडोबी, सैमसंग, बाकलेज, आईबीएम, एचसीएल, विप्रो, एक्सेंचर, इंफोसिस, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लीजिए, सब यहीं। आप चैनल्स, न्यूज चैनल्स का नाम ले लीजिए, सारे न्यूज चैनल लगभग नोएडा से चलते हैं। लंबी इमारतों के मामले में मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर नोएडा है। तो जब नोएडा जैसे शहर पूरे यूपी में बन जाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां रहने वालों का कितना फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के 100 पिछड़े इलाकों का विकास किया जाना है। बुंदेलखंड के विकास के लिए अलग से टाउनशिप की योजना है। इन सब से जो फायदा होगा उससे उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच जाएगा, आपको वो भी बताता हूं। झांसी में बीडा टाउनशिप से पूरे बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर रोजगार जनरेट होगा। महोबा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट जैसे जिलों से पलायन रुकेगा। भाई आदमी बाहर किस लिए जाता है, घर छोड़ के किस लिए जाता है कि यार हमारे यहां ठीक से नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं है, पैसा नहीं है। जब वहीं काम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा तो वो नहीं जाएगा बाहर। इन जिलों के पड़ोस में नोएडा जैसा शहर होगा तो उसका असर इन पर भी होगा, जैसे नोएडा के पड़ोस के जिलों में भी तेजी से विकास हुआ। झांसी के आसपास के इलाकों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, नए हाईवे प्रोजेक्ट, ऑफिस स्पेस, होटल, कॉलेज, अस्पताल का निर्माण शुरू हो जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी को भी इन्वेस्ट करने के लिए एक नई लोकेशन मिलेगी। झांसी और आसपास के जिलों में मेट्रो सिटी जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी, यानी बुंदेलखंड का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास होगा, जिसमें कोई भी जिला पीछे नहीं रहेगा, सभी जिलों में अवसर पैदा होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि 47 साल से बॉस को यह सोच ही नहीं रहा है, फिर कोई योगी आदित्यनाथ आते हैं, उनको लगता है कितना नोएडा में होगा, भाई नोएडा तो हो गया, जीवन भर नोएडा नोएडा होगा, तो एक काम करो 100 नोएडा बना दो, क्या ही होगा भगवान जाने। पाठशाला में अब उन जाबाज सैनिकों का चैप्टर जो आज अनंतनाग में देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए। आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। इसमें आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान कमांडिंग अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनाक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। सेना के मुताबिक गोलीबारी के दौरान इन तीनों अधिकारियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से इन्हें बचाया नहीं जा सका। कल रात से ही अनंतनाग के जंगलों के इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जहां अब भी कई आतंकी छिपे हैं, ऐसी खबर है। सेना और पुलिस के जवान इन आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। पूरी उम्मीद है कि हमारे जवान इन तीनों सैनिकों की शहादत का बदला जल्द लेंगे और जरूर लेंगे, जैसा पहले भी किया है। लेकिन भारतीय सेना में कई ऐसे गुमनाम सैनिक हैं जिनके बलिदान की ज्यादा चर्चा नहीं होती। आज आपको उन जाबाज सीक्रेट सैनिकों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने आतंकी को जहन्नुम पहुंचा दिया। ये भारत के वो स्पेशल सैनिक हैं जो आतंकियों को काट खाते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 12 सितंबर को एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी से भारतीय जवानों का आमना सामना हो गया। राजौरी के घने जंगल में आतंकवादी ने खुद को घिरा देखा तो सेना पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर जंगल में गायब हो गया। इस दौरान यह आतंकवादी छुप छुप कर सेना और पुलिस के जवानों पर फायरिंग करता रहा, जिससे कई जवान घायल हो गए। यह हमारे जवानों के लिए ऐसी सिचुएशन थी कि आतंकवादी को खत्म भी करना था और उसके हमले से खुद को बचाना भी था। तब सेना ने अपने सबसे जाबाज सैनिक असॉल्ट डॉग, जिसको आप देख रहे हैं ये कुत्ता, इसका नाम है केंट, इसको आगे किया। ये वो सैनिक है जिसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती, और केंट ने वो जगह ढूंढ निकाली जिसके आसपास ये आतंकी छिपा हुआ था। इससे हमारे सैनिकों को आतंकवादी की सही लोकेशन का पता चल गया और उस आतंकी को मार गिराया गया। लेकिन जब ये क्रॉस फायरिंग हुई तो आतंकवादी की गोली केंट को भी लग गई और उसकी मौत हो गई। अपनी कुर्बानी से पहले केंट ने अपने मिशन को पूरा जरूर कर दिया। भारतीय सेना में असॉल्ट डॉग और स्निफर डॉग वो जाबाज सैनिक है जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। इनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इनका बलिदान किसी सैनिक से कम नहीं। केंट के इस बलिदान के बाद भारतीय सेना के जवानों ने अपने इस बहादुर और वफादार साथी को अंतिम विदाई दी। केंट की अंतिम यात्रा से पहले उसे तिरंगे में लपेटा गया और भारत माता के जयकारों के साथ उसे अंतिम विदाई दी गई।
देश की सुरक्षा के लिए जान देने वाली असॉल्ट डॉग केंट की अंतिम विदाई ठीक उसी तरह से की गई जैसे एक जाबाज सैनिक शहादत पर पूरे सम्मान के साथ विदा होता है। असॉल्ट डॉग केंट भारतीय सेना में 21 आर्मी डॉग यूनिट के साथ जुड़ा हुआ था। यह लैब्राडोर प्रजाति की 6 साल की फीमेल असॉल्ट डॉग थी। असॉल्ट डॉग वो होते हैं जो किसी संदिग्ध चीज और आदमी को अपनी सूंघने की शक्ति से ढूंढते हैं और मौका पड़ने पर उन पर हमला कर देते हैं। जम्मू कश्मीर के रजौरी में ऑपरेशन के दौरान केंट ने अपने हैंडलर की रक्षा करते हुए जान दे दी। घने जंगल में छुपे आतंकी को ढूंढने के लिए केंट को छोड़ा गया और कुछ देर में उसने इलाके में आतंकी की सही लोकेशन बता दी, लेकिन इस दौरान आतंकी ने केंट पर फायर की जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन बदले में सैनिकों ने भी उस आतंकी को मार गिराया। केंट अकेला नहीं है या अकेला नहीं था या नहीं थी। भारतीय सेना में असॉल्ट डॉग और स्निफर डॉग को एक सैनिक की तरह सम्मान दिया जाता है। उनकी ट्रेनिंग भी सैनिकों की तरह बहुत सख्त होती है और वो भी अपनी जान पर खेलकर मिशन को अंजाम देते हैं। इसमें कई बार जान चली भी जाती है, लेकिन इनके इस बलिदान को हमारी सुरक्षा एजेंसीज पूरा सम्मान देते हुए उन्हें अंतिम विदाई देती है। पिछले साल अक्टूबर में जूम नाम के असॉल्ट डॉग की एक मिशन को पूरा करने के बाद शहादत हो गई। जूम को भी सेना के जवानों ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। जूम 29 आर्मी डॉग यूनिट में था और उसे आखिरी सल्यूट देने उसके साथी भी पहुंचे थे। आप देखिए, जैसे कोई सैनिक शहीद होता है तो हम जो दूसरा सैनिक है वो शहादत पर सलामी देते हैं, वैसे ही जब जूम की मौत हुई, शहादत हुई, तो दूसरे जो उसके स्क्वाड के डॉगीज थे वो पहुंचे थे सलामी देने। 29 आर्मी डॉग यूनिट असॉल्ट डॉग्स ने दो पैरों पर खड़े होकर अपने बहादुर साथी जूम को ट्रिब्यूट दिया। दिखाइए, ये देखिए तस्वीर, उन्होंने दो पैर पर खड़े होकर उसे सलामी दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, एक बार तस्वीर देखिए। पिछले साल अक्टूबर में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी को अनंतनाग के इलाके में एक घर में दो आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद जूम ने उस घर में घुसकर आतंकवादियों पर हमला किया। इस दौरान आतंकवादियों ने उस पर फायरिंग कर दी, लेकिन बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वो आतंकियों से लड़ता रहा। इसके बाद सैनिकों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन के 3 दिन बाद अस्पताल में जूम की भी मौत हो गई। जूम सिर्फ 2 साल का था। लेकिन आज आपको कुछ और किस्से बताने थे, कैसे इनकी ट्रेनिंग होनी थी ये बताना था, लेकिन वक्त कम रह गया। लेकिन ये वो सैनिक हैं, सीक्रेट सैनिक, जो देश की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते और इन्हें भी उतना ही सलाम है।